दोस्तों हाय, देखिए कल रात ये क्या था, फिशिंग गया था हम लोग रात को, तो मिला है, बहुत मिला है हम लोग। तो देखिए ये मछली को हम लोग इधर में गोपी बोलते हैं, गोपी इसका जो ये का पेट को खाता है हम लोग। तो अभी इसको ये करेगा, ये कलेक्शन किया थोड़ा, पेट को कलेक्शन करेगा इसका, पर इसको क्या करता है हम लोग, वो बेम्बू का वो काट के उसमें हम लोग डाल के इसको रखता है हम लोग, बहुत मज़ा होता है इसका। ये गोपी बोलता है इसको, अच्छा साइज का है ये, बहुत मिला है हम लोग। और भी है 10 केजी से ज़्यादा है इसमें, नहीं कभी पता। ये है, ये पेट है इसमें, बहुत मज़ा है ये। इसको जस्ट आप ये काटना पड़ता है, काट के इसको निकालना पड़ता है यहाँ से। देखिए इसको खाता है लास्ट में, इतना मज़ा आता है ये। और ये साइड में डाल देता है, अभी भी है, इतना मज़ा है। देखिए इसको ये करेगा, स्मोक करेगा, स्मोक करके ये करेगा, खाएगा बाद में लास्ट में। ये गोपी, आप लोग अपना भाषा में क्या बोलता होगा, हम लोग आदि इसमें गोपी बोलता है इसको। सब साइज का है, बहुत मज़ा है। तो देखिए दोस्तों अभी हो गया, उसका जितना भी उसका पेट था उसको निकल दिया। फिर ये देखिए अभी इसको मज़े से स्मोक करेगा, देख सकते हैं आप लोग। इसमें बेम्बू यूज़ नहीं करना है, बेम्बू यूज़ करने से ख़राब हो जाता है, वो एकदम लाल लाल ब्राउन नहीं होगा उसका कलर। ओनली वुड यूज करना है, देखिए आप लोग। और ये तोरा रखा है, इसको फ्राई करेगा, देखिए कुछ इस प्रकार होता है हम लोग का आदि किचन। मेरा बड़ा बेटा है, देखिए दोस्तों इस प्रकार बनाया है, इतना मज़ा है, ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, इसके बाद ग्रेवी भी नहीं है, जस्ट सिंपल बनाया है। इस प्रकार बनाया है मछली को, आज मछली खाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों ये है स्मोक फिश, जिसको कल हमने आग में स्मोक किया था, देखिए अभी कितना सुंदर हो गया ये। ये तो अभी बहुत दिन तक चलेगा, स्मोक करना भी एक टाइप का ये है, प्रिजर्वेशन है। देखिए ना काफ़ी सुंदर है, इससे ज़्यादा भी करना नहीं है। तो इसको अभी फ्रिज में रख देगा अच्छा से प्लास्टिक में ये करके, तो 2-3 महीना भी चलेगा ये, आहिस्ता आहिस्ता खाएगा इसको, फर्मेंटेड बेम्बू सूट के साथ मिला के, या तो आप एनी सब्जी में डाल सकते हैं इसको थोड़ा थोड़ा करके।